हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोअर्शन पर चर्चा करेंगे। कोअर्शन को हिंदी में प्रपीड़न कहते हैं। कोअर्शन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सामान्यतः हम प्रपीड़न से समझते हैं किसी व्यक्ति को डराना धमकाना, परंतु हम इसमें देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोअर्शन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो आइए देखते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कोअर्शन दो तरीके से हो सकता है। पहला, कमिटिंग आर थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। अगर किसी व्यक्ति को आईपीसी में वर्णित कोई कार्य करने की धमकी दे करके कोई सम्मति प्राप्त की जाती है, तो वो प्रपीड़न से प्राप्त की गई धमकी है। या कोई कार्य आईपीसी में जो फॉरबिडन है उसको करने करके अगर किसी व्यक्ति से सम्मति प्राप्त की जाती है, तो वो कोअर्शन या प्रपीड़न से प्राप्त की गई सम्मति है। मतलब दो स्थितियां, आईपीसी में फॉरबिडन कोई एक्ट वास्तव में करके अगर सम्मति प्राप्त की गई है तब भी वह प्रपीड़न से प्राप्त की गई सम्मति है, या आईपीसी में वर्णित कोई अपराध करने की धमकी दे करके अगर सम्मति प्राप्त की गई है तब भी वह सम्मति प्रपीड़न से प्राप्त की गई सम्मति है। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, अनलॉफुली डिटेनिंग आर थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। किसी संपत्ति को अवैध रूप से कब्जा करके अगर संपत्ति सम्मति प्राप्त की जाती है तो ये कोअर्शन से प्राप्त की गई सम्मति है, या अवैध रूप से कब्जा करने की धमकी दे करके भी अगर सम्मति प्राप्त की गई है तो ये सम्मति कोअर्शन से प्राप्त की गई सम्मति है, ये प्रपीड़न से प्राप्त की गई सम्मति है। इन दो परिस्थितियों में, मतलब अगर आईपीसी में वर्णित कोई कार्य करके सम्मति प्राप्त की जाती है, या कोई कार्य कर आईपीसी में प्रोहिबिटेड कोई कार्य करने की धमकी दे करके अगर सम्मति प्राप्त की गई है तो वो कोअर्शन से प्राप्त की गई सम्मति है, या किसी प्रॉपर्टी को अनलॉफुल तरीके से, अवैध तरीके से डिटेन करके, मतलब निरुद्ध करके उस पर कब्जा करके अगर सम्मति प्राप्त की गई है, या कब्जा करने की धमकी दे करके सम्मति प्राप्त की गई है, तो वो सम्मति प्रपीड़न से प्राप्त की गई सम्मति कहलाती है। इफेक्ट इसका क्या होगा? तो अगर सम्मति प्रपीड़न से प्राप्त की गई है तो कॉन्ट्रैक्ट वायडेबल होगा उस पार्टी की कंसेंट पर जिसकी कंसेंट प्रपीड़न या कोअर्शन से प्राप्त की गई है। तो कॉन्ट्रैक्ट वायडेबल होता है, ये याद रखना है आपको। एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि क्या कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या की धमकी दे करके सम्मति प्राप्त करता है तो क्या होगा? चूंकि आत्महत्या के लिए कोई दंड आईपीसी में नहीं दिया गया है, तो केस है चिक्कम अम्मी राजू वर्सेस चिक्कम से सम्मा। इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की धमकी देकर के भी सम्मति प्राप्त करता है तो वो सम्मति प्रपीड़न से प्राप्त की गई सम्मति कहलाएगी। हमारा ये लेक्चर आज का यही कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।